लोग कहते पंचम काल में चमत्कार नहीं होते, मैं तो कहता हूँ चौथे काल में तो मैंने चमत्कार बहुत कम देखे हैं, पंचम काल में चमत्कार ही चमत्कार देखे। ऐसे ऐसे चमत्कार भक्ति में, ऐसे ऐसे चमत्कार भक्तांबर में, ऐसे ऐसे चमत्कार शांति धारा में। आज ये देख लो ना गौशाला गौसलपुर में, मैं तो शांति धारा करने के लिए बैठा था, मैंने कहा महाराज जी को, पहले तो मैंने मना कर दिया, भाई मेरे बस की बात नहीं है, वैसे ही आज लोगों ने 2-3 किलोमीटर ज़्यादा चला दिया, खतौला होकर गए ना ऐसे, और वैसे ज़्यादा मैं तो कि भाई मेरी बाप, फिर भी एक दिन महाराज जी शांत मन की चलो कराए देते, हमें भी थोड़ी शांति मिलेगी। ऊपर गए, सामान दर्शन करके बैठ गया, जब अशांति धारा के बाद कहा महाराज जी मूर्ति पर देखो और कलशों में देखो, कलशों में पानी है, मूर्ति पर दूध है, दूध था। फिर मैंने कहा कि मामला कुछ ऐसा है कहीं कुछ, फिर मैं ऊपर द्विवेदी पे गया, वो दुग्ध नहीं था, दूध जो होता है हाथ में जब लूं तो पानी है, मूर्ति पे देखूं तो दुग्ध है, तो ये दूध नहीं था। हमारे शास्त्रों में एक क्षीर सागर आता है जिसका रंग होता है दूध सा, लेकिन वो होता है पानी। तो कल से तुम दूध की धारा चालू कर दो, क्षीर सागर पानी है, पानी का नाम है क्षीर, जिसका कलर तो कैसा है लेकिन इसमें से कोई मक्खन निकलने वाला नहीं है, कोई दही जमने वाला नहीं है। मैंने हाथ पे लिया, लेकिन हाथ पे जब लिया तो पानी था, और मूर्ति पे देखा तो तब पूरा एकदम सफेद जैसा दुग्ध होता है। हो सकता है इसी समय कोई देवता यहाँ से निकल रहा हो, उसने सोचा कि बाबा जी हैं गौसलपुर के कुएं के जल से अभिषेक करा रहे हैं, अपन इनको क्षीर सागर का जल दिखाई देते, और कुएं के जल को क्षीर सागर बना। कभी कभी होता है, कभी कोई देवता निकलता हो और उसको कोई कौतूहल करना हो तो ऐसी घटनाएं वो करके और निकल जाते। सभी समय